गाइस कैनन ब्रांड की बात करें तो बेस्ट एंट्री लेवल DSLR में कैनन का 200D मार्क II आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन हमें प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलेगी। बट कैनन ने रिसेंटली एक नया कैमरा लॉन्च किया है जो है कैनन का 850D, और गाइस कैनन के 850D की स्पेसिफिकेशन हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है कैनन के 200D मार्क II से। और प्राइस की बात करें तो यहाँ तक लग रहा है कि मार्केट में हमें कैनन के 850D 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में देखने को मिलेगा। और गाइस हमें दोनों कैमरा के डिज़ाइन की बात करें तो दोनों कैमरा देखने में भी एकदम सेम है। बट गाइस अब सवाल यहाँ पर आता है कि क्या हमें कैनन का 200D मार्क II लेना चाहिए या फिर हमें उसमें थोड़े पैसे और डालकर कैनन का नया मॉडल 850D लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन कैनन के 200D मार्क II और कैनन के 850D का, और देखते हैं कि कौन सा कैमरा बेस्ट है और कौन सा कैमरा आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने अभिटेक चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अभी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस बात करें कैनन 850D और कैनन के 200D मार्क II की स्पेसिफिकेशन के बारे में, ऑलमोस्ट हमें इन दोनों कैमरा की स्पेसिफिकेशन सेम देखने को मिलती है। बात करें मेगापिक्सल के बारे में तो हमें दोनों कैमरा में 24.1 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और साथ ही में ISO रेंज के बारे में बात करें तो हमें इन दोनों कैमराज में 100 से लेकर 25,600 तक इन दोनों की मैक्सिमम बूस्ट ISO रेंज देखने को मिलती है। गाइज अब सवाल यहाँ भी आता है जहाँ पर हमें इन दोनों कैमराज में डिफरेंस देखने को मिलता है। गाइज डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गाइज बात करें हाई स्पीड शूटिंग के बारे में तो कैनन के 850D में हमें 7 FPS पर हाई स्पीड शूटिंग देखने को मिलती है। उसी के कंपैरिजन में कैनन के 200D मार्क II में हमें 5 FPS पर हाई स्पीड शूटिंग देखने को मिलती है। गाइज यहाँ पर हमें 2 पॉइंट का फर्क देखने को मिलता है, आई थिंक जो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अभी बात करें फोकस पॉइंट के बारे में जो हमें कैमरा में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फोकस पॉइंट एक ऐसी चीज़ है हमें किस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो बात करें फोकस पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों कैमरा के बीच में। गाइज कैनन के 850D में हमें 45 फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं, उसी के कंपैरिजन में कैनन के 200D मार्क II में हमें सिर्फ और सिर्फ 9 फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों कैमरा के बीच में। गाइज अभी बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो हम कैनन के 850D में पूरी बैटरी चार्ज करने के बाद हम कैनन के 850D से 800 शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। उसी के कंपैरिजन में कैनन के 200D मार्क II में हमें 1000 शॉट्स देखने को मिल जाते हैं पूरी बैटरी चार्ज करने के बाद। गाइस जहां पर हम 200 पॉइंट का फर्क देखने को मिल जाता है। अभी बात करें वीडियो स्पेसिफिकेशन के बारे में तो कैनन के 850D और कैनन के 200D की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करें कैनन के 850D और कैनन के 200D मार्क II की वीडियो स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोनों कैमराज 4K रिकॉर्ड करते हैं 25 FPS पर और फुल HD रिकॉर्ड करते हैं 60 FPS पर। गाइस मुझे लगा था कि कैनन का 850D एक अपग्रेड मॉडल है कैनन के 800D का, और अगर आपको एक वीडियो चाहिए कैनन के 800D का तो वो मैंने आपको आई बटन में दी हुई है, आप वहाँ पर जाके मेरे कैनन के 800D की वीडियो देख सकते हैं। और गाइज मुझे लगा था कि कैनन का 850D अपग्रेड है कैनन का 800D से, तो शायद इस कैमरा में हमें फुल HD रिकॉर्डिंग फीचर में 120 FPS पर तो शायद मिल ही सकता था, पर कैनन ब्रांड ने कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। तो गाइज जहाँ तक तो हमें कैमरा के दोनों फीचर सेम देखने को मिलते हैं और कुछ 2 पॉइंट में हमें इन दोनों में फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो गाइज अभी हम बात करें कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर आपको हाई स्पीड शूटिंग करनी होती है तो आपके लिए कैनन का 850D बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हमें
7 FPS पर हाई स्पीड शूटिंग देखने को मिलती है और हमें फोकस पॉइंट भी इस कैमरा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें फोकस पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें किस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है ये हमें पता होता है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। तो यहाँ पर हमें 7 FPS और 45 फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या फिर हाई स्पीड शूटिंग देखने करना चाहते हैं तो आपके लिए कैनन का 850D बेस्ट रहेगा। और अगर आपका बजट 40,000 लेकर 50,000 तक है तो आपके लिए कैनन का 200D Mark II सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइज, आपको कौन सा कैमरा बढ़िया लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।